Hello, my dear student. Dear student, I'm your teacher of English. And today's class, we study our book of English. So start our English delight. Student, हम study कर रहे थे हमारा 10th chapter that is the Tailor and his friend. Tailor और उसका दोस्त ये story मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी थी. हिंदी में explanation आपको अच्छे से समझाया था. इस story में क्या होता है? Elephant और एक Tailor होता है. Elephant का क्या नाम होता है? अप्पू और Tailor का क्या नाम होता है? कालू. Those are become गुड फ्रेंड्स. हाउ वो अच्छे दोस्त कैसे बनते हैं? एक बार क्या होता है, जो टेलर के पास हमेशा जो हाथी होता है अप्पू कुछ ना कुछ डेली आता है, तो जो कालू होता है जो टेलर होता है उसको डेली कुछ ना कुछ खाने के लिए देता है. तो ऐसे वो अच्छे दोस्त होते हैं. लेकिन एक दिन क्या होता है, कालू के दिमाग में ट्रिक आती है, प्लान आता है, आइडिया आता है. वो सोचता है कि इसको परेशान किया जाए. उसको कैसे परेशान करें? तो उसने क्या किया, उसको हमेशा कुछ खाने के लिए देता था. उस दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया. उसको क्या दिया? एक नीडल उसकी जो ट्रंक थी, जो सूंड थी, उसमें चुभो दी. ये देख के हाथी को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो वो वहाँ से चला गया गुस्से में, दर्द से वहाँ से चला गया. फिर थोड़े दिनों बाद में हाथी वापस उसी दुकान पर आया और अपनी सूंड के अंदर खूब सारा नदी का पानी भर के लाया. और सारे का सारा पानी कहाँ डाला? उस कालू की दुकान पर डाला. अब कालू को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने उससे माफ़ी मांगी और कहा, क्या हम दोनों वापस अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तो ये तो स्टोरी थी किसकी? टेलर की और उसके दोस्त की. दोस्त कौन था? हाथी, जिसका नाम अप्पू था. ये स्टोरी हमने अच्छे से पढ़ी थी और समझी थी. आई होप आपने भी मेरे साथ में इस स्टोरी को समझा और पढ़ा होगा. और इसका कुछ वर्क सेशन भी हमने किया था. आज उसी से आगे का वर्क हम करेंगे. देखिए वर्क में बच्चों, हमने आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस को कर लिया था, जिसमें से हमने क्या किया था, हमारे क्वेश्चंस थे हु वाज कालू, कालू कौन था, कालू वाज ए टेलर. फिर सेकंड क्वेश्चन था व्हाट डिड कालू मेक, कालू क्या करता था, कालू मेक्स कलरफुल पैंट शर्ट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कपड़े बनाता था सुंदर सुंदर पैंट शर्ट, किसके लिए, बच्चों के लिए. फिर था अपना क्वेश्चन हु वाज अप्पू, अप्पू कौन था, तो अप्पू वाज ए एलिफेंट. फोर्थ क्वेश्चन था अपना व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले, कालू ने कौन सी ट्रिक लगाई, कालू ने क्या किया था, कालू प्रिक्स्ड ए नीडल ऑन एलिफेंट्स ट्रंक, उसने एलिफेंट की ट्रंक में एक सुई चुभो दी थी. फिर है व्हाट डिड अप्पू डू, अप्पू ने क्या किया, अप्पू ने क्या किया, अप्पू फिल हिज ट्रंक विथ रिवर्स वाटर एंड स्प्रेड आउट कालूज शॉप, उसने सारा का सारा पानी जो था जो अपनी ट्रंक में भर के लाया था, सारा का सारा पानी कहाँ डाला, अप्पू की, अप्पू ने किस पर डाला, अप्पू ने डाला कालू की दुकान में. ये क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन थे, ये आपके हो गए थे. आज क्या करेंगे बच्चों? आज करेंगे हम बी सेक्शन, दैट इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड. आपको आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन करने, लेकिन आंसर किस में देने हैं, आंसर आपको वन वर्ड में देने हैं. जैसे हु वॉज कालूज फ्रेंड, कालूज फ्रेंड कौन था, आपका आंसर क्या होगा, अप्पू. यहाँ आप क्या करोगे, हु वॉज कालूज फ्रेंड, तो आंसर लिख के क्या लिखोगे, आंसर इक्वल टू अप्पू. फिर है हु गेव नाइस थिंग्स टू अप्पू टू ईट, अप्पू को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए कौन देता था बच्चों, तो उसको देता था कालू. तो मैंने सामने लिखा है कालू. फिर है व्हाट डिड कालू प्रिक इन अप्पू ट्रंक, कालू ने अप्पू की ट्रंक में क्या चुभाया, तो उसने चुभाया था नीडल यानी सुई. फिर है वेयर डिड अप्पू फिल हिज ट्रंक, अप्पू ने अपनी ट्रंक कहाँ से भरी, तो बच्चों आंसर क्या होगा, रिवर. फिर है व्हाट ऑल बिकेम वेट, सारे गिले हो गए, क्या हो गए गिले, कपड़े. ये आपके आंसर थे वन वर्ड में. वन बच्चों, वन वर्ड का मतलब होता है कि एक ही वर्ड में आपको सारे आंसर देने होते हैं. तो ये हो गए आपके वन वर्ड वाले आंसर. अब आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स, तो सी में करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, आपको ये हेल्प बॉक्स दिख रहा है बच्चों ग्रीन. अब इस हेल्प बॉक्स में से आपको आपका जो राइट वर्ड है उसको चूज करना है और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें कंप्लीट करने हैं. तो देखिए सबसे पहले करेंगे हम एवरी डे का मतलब होता है रोजाना या प्रतिदिन. कालू, कालू कौन था, अकालू से टेलर का नाम था. अप्पू कौन था बच्चों, अप्पू एलिफेंट था. शॉप मीन्स दुकान, पेन मीन्स दर्द. ये आपके सारे क्या है, हेल्प बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए, इन्हीं वर्ड्स को यूज करेंगे. देखिए कालू द टेलर हैड ए डैश नियर द रिवर, नियर द रिवर. कालू के पास एक थी, क्या थी बच्चों, जो कहाँ थी, नदी के पास. तो क्या थी बच्चों, कालू के पास एक शॉप थी जो कहाँ थी, दुकान थी जो नदी के पास थी. फिर है अप्पू कैम टू हिज शॉप, अप्पू उसकी शॉप पे आता था. कब आता था बच्चों, अप्पू उसकी शॉप पे रोजाना यानी एवरी डे आया करता था. फिर है अप्पू रन अवे इन डैश, अप्पू चला गया वहाँ से, किससे, दर्द से कर रहता हुआ यानी दर्द से वहाँ चला गया. आगे डैश एंड डैश बिकेम गुड फ्रेंड, कौन कौन अच्छे दोस्त बन गए, कालू एंड अप्पू
अब वापस से अच्छे दोस्त बन गए। अब ये थे आपके सी, जिसमें से हमने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया है। आगे देखिए, आगे है बच्चों आपके पास में डी, नंबर द इवेंट एज दिस स्टोरी टेक टू पैलेस। आपको देखो जो कुछ सेंटेंस है, इन सेंटेंसेस में जैसे कि आपको दिख रहा है ये क्या है, मैस्ट यानी मिल चुके हैं एक दूसरे में, लेकिन हमें क्या करना है, इनको नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। नंबर मीन्स आपकी जो स्टोरी थी उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आप इसको सेट करेंगे। अब जैसे थर्ड नंबर पहले दे दिया, सिक्स जो था सेकंड दे दिया, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो ढूंढना है। तो बच्चों ये जो आपका ये सेंटेंस है, कालू है डैश हो नियर द रिवर, ये आपके पास जो छः सेंटेंस इनमें से सबसे फर्स्ट आने वाला है। तो यहाँ हमने लिखा है वन, फिर सेकंड लिखा है अप्पू केम टू हिज शॉप एवरीडे, अप्पू उसकी दुकान पर रोजाना आता था। फोर्थ थर्ड अपना कालू अप्पू स्ट्रंग, कालू ने क्या किया, प्रिस्ड यानी कि उसने क्या किया, एक निडल जो थी वो चुभो दी। फिर फोर्थ नंबर पे इवेंट कौन सा आएगा, अप्पू थ्रू वाटर इन कालू शॉप, उसने कालू की शॉप पे पानी फेंक दिया। फिफ्थ है कालू आस्क्ड फॉर सॉरी, कालू ने उसे सॉरी के लिए कहा। फिर अप्पू एंड कालू बिकेम फ्रेंड्स, अप्पू और कालू क्या थे, अच्छे दोस्त बन गए। ये आज आपके हो गए कौन से नंबर और इवेंट के अकॉर्डिंग, सॉरी इवेंट्स के अकॉर्डिंग आपको स्टोरी, जहाँ जहाँ जो इवेंट था उसके अकॉर्डिंग आपने इनको नंबर से अरेंज किया है। ये हो गया आज आपका वर्क। तो देखिए आज आपको वर्क में क्या करना है, आपको ये डी सेक्शन वर्क में करना है, फिर आपको करना है सी सेक्शन, नेक्स्ट आपको बी, यानी आपको बी सी और डी, ये इतना वर्क जो है आज आप अपनी नोटबुक में एज ए वर्क करेंगे। स्टूडेंट अगर इस वर्क में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कन्फ्यूज़न होने पर आप मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।